हालेलुया, सबको जय मसीह की। जैसे आपने संडे सुना कि हालात क्यों आते हैं और इसके दो कारण हैं, और कल थर्सडे की मीटिंग का इसका सेकंड पार्ट है, और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस बात को समझेंगे उनके जीवन सेम नहीं रहेंगे। इसलिए इस मीटिंग को मिस मत करना और दूसरों से भी शेयर करना, क्योंकि जैसे परमेश्वर की चाहत है कि सब मनुष्य बचाए जाएं और सत्य को भली बातें समझें, इसलिए इस बात को आपने समझना है अच्छे से। और हालात आने का ये कारण क्यों आते हैं, इसके दो कारण हैं, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर, जैसे यकूब की पत्री में लिखा कि परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता, ना वो बुरी बातों से ना वो आप किसी की परीक्षा लेता है, पर हर जन अपनी अभिलाषा में खिंचकर वो हालात में पड़ता है। इसलिए परमेश्वर कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि हालात दुष्ट से है, पाप से है। पर ये कैसे आते हैं हमारे जीवन में हालात, हमने इस बात को समझना है। इसलिए इस मीटिंग को मिस मत करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे, आपकी हर एक गति को पूरा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। आओ हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, माय लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता। जितने इस मैसेज को सुन रहे हैं या कल इस मीटिंग को जो देखें खुदा, उनके जीवन सेम ना रहे, जो दुख में, प्रॉब्लम में, हालात में, कर्ज में, डिप्रेशन में, बोझ में, दुष्टात्मा के झकड़े, कलेश घर में, किसी भी प्रकार के बंधन में, परमेश्वर उनका हर एक पाप का छुआ। मेरे परमेश्वर, तेरे इस मैसेज के द्वारा, कल की मीटिंग के द्वारा, तेरे इस दास की आज की प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर हर एक पाप का छुआ टूटे। यस खुदा, यस मेरे परमेश्वर, हर एक पाप का छुआ टूटे। यस मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। यस खुदा, तू अपने लोगों की चिंता करने वाला है परमेश्वर, शुद्धि लेने वाला परमेश्वर खुदा, मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर, मैं सांस करता हूं मेरे खुदावन, हर एक जो पाप की बोझ में मेरे परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा, कल की मीटिंग के द्वारा उनके जीवन सेम ना रहे प्रभु, वो शूट जाए हर एक हालातों से, प्रॉब्लम से, दुखों से। यस मेरे पिता, मैं सांस करता हूं कि परमेश्वर आप निश्चय ही अपने लोगों पर बड़ा अनुग्रह कर चुके, बहाड़ा अनुग्रह कर चुके। यस पिता, मैं सांस करता हूं कि ऐसा हो चुका है। धन्यवाद पिता, मैं सांस करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। और एक बात याद रखना, क्योंकि हर बात, हर वचन बाइबल में लिखा परमेश्वर की ओर से होता है। जैसे लुका 21:37 में लिखा कि जो वचन परमेश्वर की ओर से वो प्रभाव रहित नहीं है। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इसे विश्वास से सुनेंगे, इस सर्मन को, पूरी मीटिंग को, वो सेम नहीं रहेंगे। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।